हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट हेट कैम एसे। ये जो टेस्ट है वो हम टॉपिकल डोजेस फॉर्म और सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिकली जो स्किन इरिटेशंस टेस्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हेट कैम एसे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय हेट एंड कैम। हेट मीन्स हेन एक्स टेस्ट एंड कैम मीन्स कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन एसे। ये जो कैम है उसको हम वास्कुलर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, मतलब वास्कुलर मेम्ब्रेन मीन्स जिसमें हमको ब्लड वेसल्स ऑब्जर्व हो। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्टली वी सी द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेस्ट। सबसे पहले सोर्स ऑफ चिकन एग्स, मतलब हमको किस चिकन का एग्स चाहिए। दैट्स फर्स्ट इज अ फर्टाइल वाइट लेग हॉर्न चिकन एग्स। ये जो लेग हॉर्न चिकन्स है इट इज़ मेनली ऑब्जर्व इन अ सेंट्रल ऑफ इटली। ये जो ब्रीड है इटली में पाई जाती है, उस ब्रीड के हमको एग्स चाहिए। एट दिस नॉट ओल्डर देन 7 डेज, 7 दिन से पुराने नहीं चाहिए। फर्टाइल क्लीन एग्स वेइंग बिटवीन 50 to 60 ग्राम, मतलब उनका जो वेट है 50 से 60 ग्राम के बीच में चाहिए। इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइज और दूसरी कौन सी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज़ अ कैंडलिंग लाइट। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा कि कैंडलिंग लाइट क्या है। देन डिस्टिल वाटर, देन डेंटिस्ट रोटेटिंग सॉ ब्लेड, ये भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। देन इंक्यूबेटर विथ एन ऑटोमेटिक रोटेटिंग डिवाइस। आपको सबको बताया इंक्यूबेटर जो हम माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, सेम इंक्यूबेटर है लेकिन इसमें क्या है, रोटेटिंग डिवाइस। ये क्यों इंक्यूबेटर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एग्स है उसमें एम्ब्रियो डेवलप होने के लिए हम ये इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अ माइक्रोप्रिपेट्स एंड डिस्पोजेबल टिप्स, मतलब जो भी हम सैंपल्स यूज़ करने वाले हैं उनको हम डायल्यूशंस करते हैं, और डायल्यूशन करने के बाद जो सैंपल है हम बाय यूजिंग द पिपेट हम उस एक्स पे अप्लाई करते हैं। देन मॉर्टर एंड पिस्टल। मॉर्टर एंड पिस्टल एक्चुअली जो सॉफ्ट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में उनके लिए यूज नहीं होता है। जिस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में पार्टिकल से ग्रैन्यूल से जो कि हार्ड कोर है उनको क्रश करने के लिए हम मॉर्टर पिस्टल यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज स्टॉप क्लॉक फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम। देन टैपर फोरसेप, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, उसका पर्पज़ भी देखेंगे। देन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। देन सोल्यूशन, हमको तीन टाइप के सोल्यूशंस चाहिए फॉर दिस एसे। फर्स्ट वन इज 0.9% सोडियम क्लोराइड इन डिस्टिल वाटर और डिओनाइज वाटर। देन 1% सोडियम डिडोसिल सल्फेट, इट इज ऑल्सो नोन एज SDS। एंड देन 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NOH। तो कोई तीन सॉल्यूशंस क्यों चाहिए। सबसे पहला जो 0.9% सोडियम क्लोराइड है, ये सॉल्यूशन हम सैंपल को डाइल्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं वो हम एज इट इज़ एग्स पे नहीं अप्लाई करते हैं, एम्ब्रियो पे नहीं अप्लाई करते, हम उसको पहले डाइल्यूट करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। हमको पता है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, उसमें से जो पेस्ट टाइप है, पेस्ट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, उसको हम सिर्फ डाइल्यूट नहीं करते हैं। लिसन केयरफुली, जो भी पेस्ट टाइप का सॉलिड डोजेस फॉर्म है हम उसको डायरेक्टली अप्लाई करते, उसको डाइल्यूशंस नहीं करते। जो दूसरे फॉर्म है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के, लाइक ऑइंटमेंट, जेलीज, क्रीम, उसको हम डाइल्यूट करते हैं सोडियम क्लोराइड में। और जो बाकी के दो सॉल्यूशन है SDS एंड NOH, ये दो सॉल्यूशन इरिटेशन कॉज करते हैं। इरिटेशन मतलब फॉर कंपेरिजन पर्पज, मतलब जो भी हम सोल्यूशन इनिशियल में डायल्यूट करेंगे उसको अगर कंपैरिजन करना है तो हम ये दो सॉल्यूशन से कंपैरिजन करेंगे। शायद मेरी बात आप समझ रहे हो कि SDS और NOH ये क्या करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं। मतलब एक एक्स पे हमको SDS ने तो NOH सॉल्यूशन लगाना है जो कि इरिटेशन कॉज करेगा, और दूसरे एक्स पे क्या करना है, इनिशियल प्लस सैंपल ये अप्लाई करना है और कंपैरिजन करना है कि किसमें ज़्यादा इरिटेशन आता है, ठीक है। और बाद में टेस्ट सैंपल प्रिपरेशंस, जो भी हमारे सैंपल्स है मतलब जो टॉपिकल डोजेस फॉर्म है वो सैंपल्स लेने हैं और सोडियम क्लोराइड में डिसॉल्व डाइल्यूट करने हैं, और एज़ पर द मोनोग्राफ और एज़ पर द प्रोटोकॉल ये प्रोसीजर के हिसाब से हम क्या करेंगे, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। देन नेक्स्ट वन सी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैंडलिंग लाइट, एक टॉर्च की तरह ही काम करता है, लेकिन इसको एक स्टैंड है, मतलब एक को रखने के लिए स्टैंड दिया गया है। और जब भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले कैंडलिंग लाइट से हम एग्स डिफेक्टिव है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये हम कैंडलिंग लाइट यूज़ करते हैं। ये टॉर्च की तरह ही है, और मेनली हम ये
ऑब्जर्वेशन डार्क में करते, अंधेरे में करते, जब हम उस एग्स को ऑब्जर्व करते, सी किस तरह से वो एग्स दिखता है, लाइक दिस। ये सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो एग्स है उसमें एम्ब्रियो एक्चुअली डेवलप हो चुका है। शायद आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होगी, शायद आप क्लोजली अगर ऑब्जर्व करोगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगा कि किस तरह से हमारा एग्स के जो एम्ब्रियो डेवलप्ड होते हैं, मेम्ब्रेन डेवलप होता है, वो किस तरह से दिखता है। देन थर्ड वन इज डेंटिस रोटेटिंग सॉ ब्लेड। ये ब्लेड क्यों यूज़ करते हैं? फॉर कटिंग द हार्ड कोर पार्ट ऑफ द एग्स, मतलब जो ऊपर की कवरिंग है एग्स की, वो कट करने के लिए हम ये सॉ ब्लेड यूज़ करते हैं। देन फोर्सेप क्यों यूज़ की जाती है? जब हम कट करते हैं हार्ड कोर पार्ट को, तो रिमूव करने के लिए ये फोर्सेप हम यूज़ करते हैं। लेट्स सी द कैम्प प्रिपरेशन, मतलब जो कोरियोएलांटोइक टोइक मेम्ब्रेन है, मतलब वास्कुलर मेम्ब्रेन है, हम किस तरह से डेवलप करते हैं। सिलेक्ट द फ्रेश एग्स, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो क्राइटेरिया एग्स का, वो एग्स को सिलेक्ट करना है। कैंडल द एग्स एंड डिस्कार्ड एनी एग्स दैट आर नॉन वायबल और डिफेक्टिव, मतलब अगर किसी एग्स को किसी प्रकार की क्रैक है, वो क्रैक हुए एग्स को हमको सिलेक्ट नहीं करना है, डिस्कार्ड कर देना है बाय यूजिंग द कैंडलिंग लाइट। देन सेकंड प्रोसीजर, प्लेस द एग्स इन इंक्यूबेटर विथ रोटेटिंग ट्रे, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इंक्यूबेटर में हमको रोटेटेड ट्रे में रखना है एंड इंक्यूबेट द एग्स एट 38.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 58 प्लस माइनस 2% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब ये कंडीशन उन्होंने दी है कि टेम्परेचर कितना चाहिए, 38.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, इतना डिफरेंस चलेगा एंड 58 प्लस माइनस 2% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर, 58% मॉइस्चर कंडीशन उन्होंने बोली है। देन नेक्स्ट वन, कैंडल्स द एग्स ऑन इंक्यूबेशन डे 8 एंड रिमूव एनी नॉन वायबल और डिफेक्टिव एग्स, मतलब अगर हमने मंडे के दिन अगर एग्स को रखा है, तो नेक्स्ट मंडे को, मतलब जो आठवां दिन आएगा, उस दिन में हमको ये एग्स को ऑब्जर्व करना है। अगर किसी प्रकार डिफेक्टिवनेस उस एग्स में दिखता है, तो वो एग्स हम टेस्ट के लिए फर्दर यूज़ नहीं करेंगे। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूव द एग्स फ्रॉम द इंक्यूबेटर ऑन डे 9 फॉर यूज द एसे, मतलब जो नौवां दिन आएगा, नाइन्थ डे आएगा, उस नाइन्थ डे में वो एग्स को यूज़ करना है फॉर द एसे पर्पज। और एसे को परफॉर्म करने से पहले फिर से उसको क्या करना है, कैंडल्स टेक एंड डिस्कार्ड द एनी नॉन वायबल और डिफेक्टिव एग्स। अगर कोई भी एग्स अगर ख़राब होता है, क्रैक होता है, कोई भी डिफेक्टिवनेस उसमें दिखती है, तो एग्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, रिमूव कर डालेंगे। देन कट द सेक्शन मार्क एज एयर सेल विथ रोटेटिंग डेंटिस सॉ ब्लेड, जो भी हमने हार्ड कोर पे मार्किंग की होगी, जितना हमको एरिया चाहिए वो एरिया हमको डेंटिस सॉ ब्लेड से क्या करना है, रिमूव करना है एंड देन पेयर इट ऑफ, मतलब जो भी हार्ड कोर है, फोर्सेप्स से हमको क्या करना है, उसको स्मूथली निकालना है। ये प्रोसेस बहुत केयरफुली हैंडल करनी पड़ती है। देखो, ये पहले पिक्चर में आपको दिखेगा कि ये जो आपको दिख रहा है, एग्स दिख रहा है, इसमें क्या है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मतलब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो नहीं है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हार्ड कोर है हमने ब्लेड से निकाला है और पेयर इट ऑफ बाय यूजिंग द फोर्सेप। अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सी इसमें आपको क्लियरली ब्लड वेसल्स दिख रही है क्लियरली, तो इसको हम बोलते हैं कैंप, मतलब कोरियोएलांटोइक मेम्ब्रेन। और इसको हम क्या बोलेंगे, वास्कुलर मेम्ब्रेन, मतलब इसमें आपको ब्लड वेसल्स और ब्लड क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो ये है कैंप प्रिपरेशन। नाउ जो भी हमने प्रिपरेशंस बनाया है, मीन्स अप्लाई द टेस्टिंग सैंपल ऑन कैंप, मतलब हम क्या करते हैं, जो भी डाइल्यूशन जो हमने सोडियम क्लोराइड में किया है, उसमें से 0.3 ml लेना है और इस पर अप्लाई करना है, ओके। अब अप्लाई करने के बाद हम किस बेसिस पे बताएंगे कि हमारा जो सैंपल है वो इरिटेटिंग है या नहीं। तो सैंपल ऑब्जर्व कर अप्लाई करने के बाद हमको तीन चीज़ें ऑब्जर्वेशन में रखनी है। सबसे पहले हेमोरेज, द ब्लीडिंग फ्रॉम द वेसल्स, वास्कुलरलेसिस, ब्लड वेसल डिसइंटीग्रेशन एंड थर्ड वन इज कोगुलेशन, मीन्स द वास्कुलर प्रोटीन डिनेचुरेशन। तो जैसे से इफेक्ट मिलता है, उस इफेक्ट हमको स्कोर देना है, मतलब नंबर से नहीं। तो वो नंबरिंग और स्कोरिंग हम किस तरह से देते हैं, सी ना नेक्स्ट टेबल। इस टेबल में आपको पहला कॉलम दिख रहा है इफेक्ट, लेसिस, हेमोरोज और कोआगुलेशन, और स्कोर दिख रहा है एट 0.5 मिनट, 2 मिनट्स,
एंड 5 मिनट्स, मतलब तीन टाइम इंटरवल्स है, 0.5 मिनट्स, 2 मिनट्स एंड 5 मिनट, मतलब ये टेस्ट पूरी 5 मिनट की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सैम्पल को लगाया है, अप्लाई किया है ऑन अ मेम्ब्रेन, तो 0.5 मिनट में अगर आपको लेसिस ऑब्जर्व होता है तो उसको 5 स्कोर देना है, हेमोरज अगर दिखता है तो उसको स्कोर 7 देना है, और कोएगुलेशन दिखता है तो 9 देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तीनों अगर इफेक्ट आपको 0.5 मिनट्स में ऑब्जर्व होते हैं तो हम उसका स्कोर कितना आएगा देखेंगे, 5 + 7 + 9, मतलब टोटल 20 मिनट्स। समझ में आ रही बात कि तीनों अगर इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होते 0.5 मिनट्स में तो आपका टेस्ट का स्कोर आएगा 21। तो हम दूसरे कंडीशन लेंगे कि आपने सैंपल अप्लाई किया है, 0.5 मिनट में आपको लेसिस ही दिखता है तो आप उसको 5 स्कोर लिखोगे, 2 मिनट में अगर आपको हेमोरेज दिखता है तो हम उसको 5 स्कोर लिखेंगे, और अगर 5 मिनट में आपको कोएगुलेशन भी दिखता है, मतलब तीनों इफेक्ट दिख रहे हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, समझ में आ रहा है कि तीनों डिफरेंट टाइम इंटरवल अगर आपको ये इफेक्ट दिखते हैं तो हम उसको स्कोर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले 0.5 मिनट में 5 लेसिस, दूसरे 2 मिनट में हेमोरेज 5 स्कोर, और तीसरे कोएगुलेशन में फिर से 5, मतलब टोटल 5 + 5 + 5, मतलब टोटल 15 स्कोर। तो जितना आपका स्कोर रहेगा उस स्कोर के हिसाब से हम हमारे सैंपल का इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो वो इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर इरिटेशन, इसमें आपको दो दिख रहा है, दो टेबल्स ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं, इरिटेटिंग स्कोर एंड इरिटेशन क्लासिफिकेशन। अगर 0.09 आपका स्कोर आता है तो वो प्रोडक्ट है नॉन इरिटेंट, अगर आपका स्कोर आता है 1 to 4.9 तो स्लाइटली इरिटेंट, अगर ये 5 to 8.9 अगर स्कोर आता है तो मॉडरेट इरिटेंट, और अगर 9 से 21 के बीच में अगर आता है तो सीवियर इरिटेंट। तो ये ऑब्जर्वेशंस है, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इरिटेंट है या नहीं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक, और अगर आपको ऐसे नए वीडियोज़ देखना है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।